आप देख रहे हैं ग्रीमा टाइम। पुलिस स्टाफ ने मुझसे कहा ये कि भाई एक दिन के लिए रेफर कर रहे हैं। फिर जब गुड़गांव के गोरक्षकों ने संत जी को वहाँ रोक लिया गौशाला में, घंटे के बाद आपको जाने देंगे यहाँ से, 24 घंटे के बाद जाने देंगे, बस वो कार्यक्रम हो जाए जैसे भी। विषय इनके स्वास्थ्य, रामपाल जी का जो भंडारा था जी। एक किसी चीज को लेके जबरदस्ती किसी को, किसी के विचारों को नहीं मारा जा सकता। हमने जो भगत सिंह से एक बात सीखी है कि ये भौतिक शरीर को मारा जा सकता है, इसको प्रताड़ित किया जा सकता है, लेकिन मकसद को नहीं हम छोड़ सकते। मकसद हमारा वो गरीब मजलूम, और ये जो पवित्र गौ माता है आज सड़क पे पोलोथीन खा रही है, तो मैं नहीं समझता जब तक इसका हिस्सा इसके इसको ना मिले तो मेरे को ऐसा कंचित मात्र भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भले ही वो मेरे को फोर्स फीडिंग करा दें। और दूसरा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ना किसी से दक्षिणा लेता हूँ और ना मेरे पास कोई आश्रम व्यापार है, और मैं एक सरकार जो मेरे को एम्स में डाल कर, एम्स ने इतना लंबा मेरे पास बिल बना के भेज दिया, और कंडीशन ये है कि सरकार अगर उठा के लेके जाती है तो फिर भावा जी बिल कहाँ से देंगे। तो मेरे को तो इलाज की, तो अपने मानसिक इलाज की, कहीं कुपित मानसिकता वाली सरकारों को अपने इलाज की ज़्यादा दरकार है, और मेरी को इतनी इलाज की ज़रूरत नहीं है। खबरों के लिए देखते रहिए गरिमा टाइम्स टीवी, और पसंद आए तो प्लीज करें लाइक।